वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन एंड जॉब्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपके लिए कोटा विश्वविद्यालय की सप्लीमेंट्री एग्जाम है उसके बारे में चर्चा लेकर आया हूँ। पूरक परीक्षा है, उसका ऑफिशियल नोटिस आ गया। आप इस वीडियो में उस जानकारी देखेंगे जो इस ऑफिशियल नोटिस में है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को तो दोस्तों, आपको अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, फाइल डाउनलोड करनी है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, तो आपको जो मेन वेबसाइट है उस पर जाना होगा। आप क्रोम ब्राउज़र खोलिए, मोबाइल में गूगल पर टाइप करें या क्रोम ब्राउज़र पर आप जैसे टाइप करेंगे तो uok.ac.in ये आपको टाइप करना है गूगल पर। टाइप करने के बाद में आपके पास मेन वेबसाइट है, ये खुलेगी। खुलने के बाद में दोस्तों नीचे जाएंगे आप, तो यहाँ पर 16 दिसंबर 2020 को सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म फिलिंग के नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, इसको डाउनलोड करके देखते हैं। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर बोलेगा क्लिक हर टू डाउनलोड। आपको इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से आपके पास में ये शो होगा। तो यहाँ पर 16/12/2020 को ये जारी किया गया था, और ये दोस्तों विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2020 की मुख्य परीक्षा में बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएससी बायोटेक माइक्रोबायोलॉजी तथा बीएससी भाग करते के पूरक घोषित पात्र अभ्यर्थियों से पूरक परीक्षा 2020 हेतु निम्न जो एग्जाम फॉर्म है वो भरवाए जाने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर है, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लें। और मैं बता दूं, यहाँ पर साधारण शुल्क के साथ 17/12/2020 से 22/12/2020 तक आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं पूरक परीक्षा शुल्क जमा करवाने की जो तिथि है वो ये रहेगी। और जो दोस्तों संबंधित महाविद्यालय में चालान और उसकी अंक तालिका की प्रति सहित परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा कराने की जो तिथि है वो 17/12/2020 से 4/1/2021 तक आप इसमें जमा करा सकते हो कॉलेज में हार्ड कॉपी। दोस्तों, इसमें 100 रुपये का विलम्ब शुल्क पर आप जमा कराना चाहते हो, अगर बाय चांस आपका जो 22/12/2020 को फॉर्म नहीं भरा आया, तो आप 23/12/2020 से 25/12/2020 तक आप इसमें 100 रुपये का अतिरिक्त चार्ज देकर फॉर्म भर सकते हो। पूरक परीक्षा के शुल्क के बराबर विलम्ब शुल्क के साथ आप 26/12/2020 से 30/12/2020 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ये पूरक परीक्षा के शुल्क के बराबर आप जो शुल्क है वो देकर आप 30/12/2020 से 20 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। 26/12/2020 से 30/12/2020 तक आप इसमें अतिरिक्त परीक्षा, पूरक परीक्षा उसके शुल्क के बराबर आप शुल्क देकर इसमें फॉर्म भर सकते हो। इस तरह से दोस्तों आप साधारण शुल्क के साथ ही आप इसमें फॉर्म जमा कराएं तो बेटर रहेगा। उसके बाद में आपको हार्ड कॉपी जमा करानी है 17/12/2020 से 4/1/2021 तक कॉलेज में। अब इसको अच्छी तरह से और देख ले दोस्तों, जो सर्विस नेम है ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस थ्रू वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ऑन 0 चार्ज, यानी कि जो फीस है उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, जो फीस है वही फीस लगेगी। आप डेबिट कार्ड या एनी बैंक के 0 चार्ज पर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। थ्रू नेट बैंकिंग ऑफ एनी बैंक 0 चार्जेज पर ट्रांजेक्शन, ये भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ कि पूरक परीक्षा शुल्क समस्त नियमित एवं स्वयं पाठ्य परीक्षार्थियों को निर्धारित परीक्षा शुल्क है वो राशि है 670 रुपये एवं परीक्षा आवेदन शुल्क राशि है 50 रुपये, कुल राशि है 720 रुपये ये देना होगा, तथा बकाया प्रश्न पत्र की राशि प्रति प्रश्न पत्र राशि ₹350 अलग से दे होगा, ये वाली है। वो 4 नंबर पॉइंट है इसमें, परीक्षा
देय शुल्क की रसीद की मूल प्रति को परीक्षा और अपरीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी की दो प्रतियों के साथ संलग्न कर अन्य आवश्यक दस्तावेज सहित उपरोक्त कार्य महाविद्यालय में आपको जमा करानी है। जो पूर्व विद्यार्थी है यानी कि एक्स स्टूडेंट है जो फेल हो गए हैं और दोबारा एग्जाम दिया, उनके पूरक अगर जो सप्लीमेंट्री आ रहा है और वो सप्लीमेंट्री फॉर्म बनना चाहते हैं तो उनको हार्ड कॉपी को उसी विद्यालय में जमा करानी होगी जहाँ से वे नियमित या रेगुलर परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण घोषित हुए हैं। जो पहले फेल हुए थे उसी विद्यालय में आपको जमा करानी है। एम स्वयं पार्टी परीक्षा तो पूर्व परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी संबंधित परीक्षा केंद्र पर जमा करानी होगी। अब इसमें पेमेंट का भी आप देख सकते हो, ये वाली आप टर्म्स इसमें देख लें अच्छी तरह से, उसको डाउनलोड करके आप अच्छी तरह से पढ़ लें और जो मित्र सेंटर है या कंप्यूटर कैफे है उस पर जाकर साइबर कैफे वाले से आप फॉर्म भरवा लें। थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे किसी नए जानकारी के साथ अगले वीडियो में। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर फ़ोन भी कर सकते हो। ऑनलाइन पूर्व परीक्षा आवेदन पत्र में भरने संबंधित कोई समस्या आती है तो आप 7414-07-12-94 पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हो परीक्षा नियंत्रण के पक्ष तक। थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों, और लड़कों के साथ भी साझा करें इस जानकारी को।